anche all'interno degli esercizi terrestri. Non scopa te, capisci dove c'è te, capisci se c'è te, capisci mangia te, capisci arancia te, capisci bhakti c'è te, capisci gyan c'è te, capisci tutto c'è te, capisci tutto c'è te. इस दुनिया में हम रहते हैं. मैंने आपको बताया था परसों की मेरे काम करने का वजह क्या है. सब दुनिया इस दुनिया को बनाने वाले को पूछिए, कोई खुदा को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, किसी को पूछता है. संतों के मत में सिर्फ गुरु को पूजा जाता है. अब आप हैरान होंगे कि ये बात जब मैंने सुनी तो मेरे दिल में कई किस्म के शकूक पैदा हुए. राजाधार मुझे लिखते हैं, मैं नहीं राम कृष्ण का सेवक, ईश ब्रह्म नहीं जानू, मैं फकीर का नाम दीवाना सबसे बढ़कर जानू, जो फकीर मोहे दर्शन देवे अपना भाग सराहू, अपने तन के काम की जूती पर फकीर पहनाऊ. अब मेरे दिल में ये एक सवाल पैदा होता था कि इन संतों के पास क्या हक है जो ये कहते हैं कि जो कुछ है वो संत है या फकीर है. ये उर्दू लफ्ज है, सर हिंदी लफ्ज है. इस बात को समझने में मेरी उम्र हो गई और मैंने जो समझा वो आपको बता देता हूँ. दाता जाय की वाणी के अनुसार जब मैं इस त्रास में था और भटकता फिरता था, मैंने सोने के ताल बनाए, चांदी के हुक्के बनाए, संदर के सिंहासन बनाए, रेशमी कपड़े बनाए, उसमें सोने के ताले जड़ी, बथेरा कुछ किया सिर्फ इस बात को जानने के लिए कि सच्चाई क्या है, इन संतों के पास क्या हक था जो ये कहते हैं कि सवाय गुरु के और ये संत के और किसी को नहीं मानते. क्या बात क्या है. वो दुनिया को काल और माया कहते हैं. आपने राजकुमार की किताबों को पढ़ा होगा, उसमें लिखा काल और माया का जिक्र आता है. क्या था तो काल और माया में ही इस संसार बना. काल नाम है हरकत का. जहां हरकत है वहां सुख और शांति की कभी उम्मीद मत रखो. जहां भी हरकत है वहां तब्दीली होती है और जितना ये ब्रह्मांड है सब हरकत में है. संतों का मार्ग है जो बियॉन्ड ही इससे हरकत से परे. उसका सबूत मैं आपको मौजूदा बिजली देता हूँ. बिजली की बैटरी होती है, बैटरी में एक इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स होती है और एक करंट होती है. उस अकाल पुरुष यानी इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स जो तमाम दुनिया की है उसमें से करंट निकलती है. एक एक करंट अनेक प्रकार के ब्रह्मांड बनाती. कभी गुरु नानक साहब ने कहा लख बताया बता लख काशा आकाश, ऐसे ऐसे उन्होंने शब्द लिखे हैं. मगर उनकी वाणी को समझता कौन है. हम लोग आप लोग सिख हैं या हम सिख हैं, सवाए वाणी को पढ़ जाने से जो उसका असली भाव है उसको तो समझ पाएंगे. तो उसके मतलब का आज आपको सत्संग कराना चाहता हूँ. वो मैं जानता हूँ कि यू आर नॉट फिट अभी तक इस संत मत को समझने के, मगर हो जाओगे. मैं भी नहीं था मगर दादा ने संस्कार दिया था. पिछली उम्र में मेरी समझ में संत मत आ गया. बढ़ो. ये दुनिया इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स वोल्टेज जो है उसका नाम है अकाल पुरुष. तीन चीजें हैं बैटरी में, एक
रेजिस्टेंस एक करंट और एक इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स आप तो जानते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है इस दुनिया की सारी की, उसको संत गुरु नानक साहब ने अकाल पुरुष कहा, कबीर साहब ने अनामी पुरुष कहा, राधा स्वामी मत मारो ने राधा स्वामी या सतलोक अलग अगम बताया। तो वो इसे संसार का सारा चक्कर चलता है। तो आज दादा का शब्द आपको सुनाता हूँ। काल चक्र का सहज डोला झूला अचरज न्यारा। ये जो काल का चक्र है, ये करंट का चक्र है, हरकत का चक्र है। जहाँ जहाँ हरकत है वो कहते हैं ये हंडोला झूलता रहता है। ये अजब किस्म का न्यारा है। आगे सब कोई झूले झूला चढ़ कर काल झुलावर हारा। सब आदमी जीव जंतु जितने हैं सब झूला झूलने हरकत में है। झूला झूलने के मैंने हर वक्त हरकत में है। चंद सूर दो गगन में झूले झूले नौ लख तारे। जीव जंतु पृथ्वी में झूले नर पशु सकल विचारे। सब चीज हरकत में है। यहाँ हमारे साथ में खून हर वक्त हरकत में है। आप हर वक्त हरकत में है। सुपने में जाते हो तब भी हरकत में है, या जागते हो तब भी हरकत। तमाम दुनिया सूर्य चांद सितारे जितने ये ब्रह्मांड है सब इसी वक्त से चल, इस वक्त से इसको संत काल पुरुष कहते हैं। आगे राजा झूला रानी झूली और प्रजा समुदाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर झूले झूली सब दुनियाई। सब दुनिया जो है वो सब संस्कार यानी एक्शन में है, हर वक्त हरकत में है। तो जब तक कोई आदमी हरकत में है उसको शांति कहा। अगर कोई शख्स ये चाहे कि हम जिस्म में रहते हुए और मन में रहते हुए इस संसार में रहते हुए अपने आप को हमेशा के लिए शांत रखें, ये नामुमकिन है। ये मन हर वक्त चलता रहता है, जमाना हमेशा बदलता रहता है, मुल्क तब्दील होते रहते हैं, दरारे टूटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, ये सब जगह हो रहा है। आगे लक्ष्मी झूली दुर्गा झूली गायत्री महारानी देवी झूले देवा झूले जल थल अग्नि पानी। ये सब झूल रहे हैं हरकत में। काल भी झूला अपने झूला सृष्टि प्रलय कर प्यारे। ये देखो ना रचना होती है फिर प्रलय हो जाती है। जिससे हम जन्मते और मरते हैं इस तरह से करंट जो है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स आती है सर्किट में काम करती हुई फिर अपने वापस अपने सर्किट में चली जाती है। ये दुनिया की बात है। ऐसे ही हम सब जितने हैं इस संसार में सब झूलते हैं। आगे वह भी बचा ना चक्र से अपने झूला झूले सारे। सब दुनिया ये है जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड जो है ये भी झूला। तुम्हारे मन के अंदर क्रिएटिव का जिंदगी है, हस्ती और है, जिंदगी और है,
जिंदगी हरकत में है, हस्ती बेहस्ती में है। इसका सबूत हमारे जिस्म को करा दो, आप दे दो क्लोरोफॉर्म, टीका लगा दो, जिस्म को काट डालो, पता लगता तो साबित हुआ कि जिंदगी और है, और जो असली चीज हम में है, तुम और हम जो असल में है, वो और है। अगर वो और न होती, सिर्फ जिंदगी ही होती, तो जब वो काटता था डॉक्टर, तुमको महसूस होना चाहिए था, मगर नहीं होता। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, टीका लगा देते हैं या क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं, आपका जिस्म काट देते हैं, ब्रेन के ऑपरेशन कर देते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन कर देते हैं। इससे साबित हुआ कि जो चीज तुम में है वो कुछ और है, और ये जो जिंदगी जो है ये और है। जिंदगी का नाम कार है, क्रिएशन, क्रिएटर, पैदा करने वाला जो है ये और है, और जो इसका आधार है वो और है। आगे चढ़ी पींग तब ऊंचे आए, उतरी नीचे ठहरे, कभी मिले तो जमघट देखी, बिछड़ के हो गए न्यारे। देखो ना, परसों हम कट्ठे हुए थे, कट्ठे हुए बिछड़ गए। आदमी हर चीज जो है ये संसार ही ऐसा है। आगे एक दशा में नित जो बरते, कोई नजर न आया, पीर पैगंबर उतब लिया, ऋषि मुनि बचन न पाया। जब तक इंसान जिंदगी में है, कहाँ विश्राम कहाँ, हो ही नहीं सकता। हर वक्त वो चीज अक्षय में रहेगी। संत हो, कुतुब हो, औलिया हो, ऋषि हो, मुनि हो, पीर हो, पैगंबर हो, अवतार हो, कोई भी हो, जब तक काल चक्र में है जब तक वो बच नहीं सकता। आगे पानी भया भाप की सूरत, धाया गिर कैलाशा, बर्फ बना धारा वह निकली, नीचे किया निवासा। तुम देखते हो सूरज समंदर से पानी को सुखा करके हवा बना लेता है, बदल बरसते हैं, ऊपर बाहर का बारिश बरसता है, बर्फ बन जाती है, बर्फ डाल डाल के दरिया बन जाते हैं, दरिया बन के फिर समुद्र में आ जाते हैं। ये है त्रिलोकी, ये चक्कर चलता रहता है हर जगह। आगे नीचे भी रहने नहीं पाया, फिर ऊंचे की आशा। वही पानी फिर समुद्र से उठा, फिर ऊपर गया, फिर आया। आगे हम तो देखे खुली दृष्टि से, अचरज अजब तमाशा। दादा फरमाते हैं भाई ये तमाशा हम खुली नजर से देखते हैं। आगे हम तो देखे खुली दृष्टि से, अचरज अजब तमाशा। दादा फरमाते हैं भाई ये तमाशा हम खुली नजर से देखते हैं। आगे लकड़ी जल कर कोयला हो गई, कोयला राख और माटी, माटी माटी में नहीं ठहरी, बनी काठ और लाठी।
विष्ट अन्न अन्न भविष्ट सोई सब कोई खावे यह प्रपंच है अद्भुत न्यारा कोई बिरला लक पावे। देखो कनक शहर का जितना होता है खेतों में जाते उसमें सब्जी पैदा होती है अनाज पैदा होता है वो हम खाते हैं फिर हम वही चट्टी फिरते हैं फिर वही राजत फिर मन की ये चक्कर चलता रहता है ये संसार का हाल है। आगे जागृत स्वप्न सुषुप्ति लीला कवि ऐसी कवि वैसी यह सब काल बलि की माया कवि जैसी कवि तैसी ये सब सृष्टि जिसी है वो कहते हैं काल और माया बलि की सृष्टि है। आगे पंडित कभी अनाड़ी होते कभी अज्ञानी ज्ञानी कभी जड़ मिल जुल चेतन ठहरे कभी चेतन जड़ जानी। बड़ बड़ा पंडित बड़ बड़ी ऐसी गलती खाने से कोई साहब नहीं और बाद में मूर्ख से मूर्ख आदमी ऐसी बात बता देता है जो सबसे अच्छी होती है। तो ये संसार जो है अजीत सिंह तुमने मुझे बुलाया मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ जो कुछ मेरी समझ में आया अगर आज मुझको इस हकीकत की संत मत की तालीम की सच्चाई की समझ में ना आता तो शायद मैं पहला शख्स होता जो नानक साहब या राय भाई मत या संत मत के बरखा को आवाज दे जाते मगर आप लोग दुनियादार हैं आप लोगों का सिर्फ ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर काल का चक्र इतना पड़ा हुआ है कि उसे निकल नहीं सकते। फिर क्या होता है जन्मते हैं या मरते हैं आज किसी के बाप बने कल किसी के बेटे बने परसों किसी कुछ बने चौथ किसी कुछ बने पचास किसी कुछ बने आवागमन है मैंने आपको साबित कर दिखाया ये किताबों के हवाले से नहीं अपने तजर्बे से अपनी लड़की की मौत के जिक्र के मुताबिक मैंने आपको बता दिया जहाँ मैंने कहा वहाँ जब पैदा होगी वहाँ हुई माँ के मुताबिक कह दिया। मेरा एक लड़का था अपना सर धर्मचंद 17-18 साल का वो मर गया दो साल मेरी और रोची रही तो एक मेरी आदत है सुबह 3 बजे 2 बजे उसके मैं समाधि में जाता हूँ तो जब मैं जाने लगा उसको रोते हुए सिरसरते हुए देखा तो मैं उसके पास गया बड़ा प्यार किया मैंने कहा भगवान काहे को रोती है दरख्त की कितने फल होते हैं सारे थोड़े मुझे गिर जाते हैं गल जाते हैं तेरे एक लड़का है तेरे लड़कियाँ हैं तीन तो उसने कहा ये आप ठीक कहते हैं आप अपना वक्त काट लेते हैं बाहर सत्संग में मेरा यही ओर पोर है बच्चों के कपड़े धो दे ये कर दे वो कर दे मेरा दिल लगा रहता है तुम बताओ मेरा लड़का कहाँ गया अब मैं क्या बताता मैं समाधि में चला गया समाधि से उठ के देख गया फिर सपना आया सपने में लड़का मेरा मेरे सामने आया क्या धर्म मैंने पूछा तेरी माँ रोती रहती है भाई तू बता कहाँ गया वो कहता मैं सुनाम में लक्ष्मण दास परमारी कहाँ गया हूँ। अच्छा मैं वो लक्ष्मण दास परमारी की 7 लड़कियां थी लड़का कोई नहीं था तो हमेशा मेरे उस लड़के को गोद में लेकर के आप समझते मेरा मतलब खिलाया करता था उसका उसका प्रेम बहुत था उस लड़के के साथ प्रेम बहुत था मेरे लड़के का उस लक्ष्मण दास के साथ तो मैंने लक्ष्मण दास को लिखा मैंने कहा तुम्हारे घर का लड़का पैदा हुआ उन्होंने कह दी हाँ लड़का पैदा हुआ था जिंदा रहा फिर मर गया। अब आप समझ गए मेरा भाई आवागमन है संतों का मार्ग सिर्फ इस दुनिया से जीवों को निकालने का है दुनिया ने संत मत को समझा नहीं उन्होंने तो दुनिया को एक सोशलिज्म बना लिया
मैंने फर्ज गुरु वहाँ बनाई है, अस्पताल बनाई है, क्या बनाई है, तो क्या अस्पताल खोल दे तो मैं संत हो गया? क्या स्कूल खोलने से मैं संत बन गया? ये बात नहीं। संत बना अजीत सिंह व्यक्ति मुक्त रखा है। तुमने अपनी जिंदगी बगैर गुरु के गुजारी है, सिर्फ किताबें को पढ़ पढ़ के तुम्हारा दिमाग जो है ये हिल गया। अगर कोई गुरु तुम्हें काम में मिला हुआ होता तो तुमको बता देता कि असलियत ये नहीं, ये है। मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये असलियत ये है। आगे समझत बने कथन नहीं आवे, मन बाणी अलसानी। कार्यक्रम इतना खेल है, समझे लाख कोशिश करे पूरी समझ नहीं आती, वाणी काम नहीं करती, बुद्धि अर्था जाती है। आगे कैसे कोई समझावे किसको, समझे कोई गुरु ज्ञानी। कहते हैं कौन किसी को समझावे, से को कोई गुरु ज्ञानी हो उसको कोई समझा सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। हाँ जी, एक दशा में कोई न बरते, कभी बैठा कभी दौड़ा, कभी थका कभी सोया लेटा, काल चक्कर अति चौड़ा। हर वक्त हम किसी न किसी ख्याल में, तुम देखो मन किसी न किसी तरह लगा रहता है, हर वक्त दुख भी आता है, सुख भी आता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, मौत भी आती है, आमदनी भी आती है, गरीबी भी आती है। कोई बताओ, बड़े बड़े संतों का हाल देखा। आगे झूले की है विचित्र कहानी, कथा वार्ता न्यारी, नर को हम समझावन आए, पर सुने न बात हमारी। दुख सुख, दुख सुख द्वंद पसारा, द्वंद से प्यार बढ़ाया। हम ये क्या किया, दुख उठाते हैं दुख, क्योंकि हमने दो पहले से प्यार बढ़ा लिया। आज तुमने लड़की से प्यार बढ़ा लिया, फिर करके लड़का मर गया, बस रोगे। आज तुमने अरुण से प्यार किया, कर मेरे को नुक्स तुमने देखा तो मैं गुस्सा आ गया। बाप ने लड़के को पढ़ाया, लड़का गुस्सा हो गया, अब बाप गुस्से में आ गया। ये संसार का चक्र ऐसे चलता है, जब से दुनिया बनी है हमेशा ही लड़ाई झगड़ा हर जगह होता रहता है, क्योंकि ये काल का चक्र है। आगे द्वंद भाव ले जगत रचाना, द्वंद के फांस फसाया। इस द्वंद में आकर के, दो पने में आकर के हम फंसते हैं। आगे मन बुद्धि और चित हंकारा, सो झूले की रसरी, दो लड़ त्रै लड़ चौलड़ बन आई, जीव निवल को जकड़ी। ये बुद्धि हमारी जो है, मन से बुद्ध अहंकार, यही हमारे लिए दुख था। कभी बाबा सावंत सिंह कहा करते थे, दस वाले रंग होते अगे सतगुरु मिलता है। दुनिया ने समझा नहीं दस द्वारे क्या है, पांच कर्म इंद्रिया और पांच ज्ञान इंद्रिया। हम हर वक्त इन पांच लक्ष चौरासी है क्या, किसी ने गिनी है लक्ष चौरासी? छह चक्कर जिसम के, छह ऊपर के, बारह, पांच ज्ञान इंद्रिया आत्मा और बुद्धि, सात, बारह सात चौरासी। हमारा सर जो है हर वक्त चौरासी चक्कर में फिरता रहता है, किसी न किसी वक्त
कभी किसी हालत में है, कभी किसी हालत में है, कभी किसी हालत में, कभी किसी हालत में, ये चौरासी हमारी। और हम दुख भी भोगते हैं, सुख भी भोगते हैं, आनंद भी लेते हैं, खुशी भी लेते हैं और दुख भी लेते हैं। आगे जकड़े माया के फंदे में रोए और चिल्लाए। मैं खाया था, रोता था, जब दाता के पास जाता रोता था, जब वहां से आता रोता था, प्रेम करता था, प्रेम से घुंगियों बांध के नाचा करता था। बथेरे मैंने शाम की, 6 महीने 6 साल मैंने नमक नहीं खाया, ना नमक की कोई चीज खाई, 6 साल ना दूध की कोई चीज बनी हुई खाई। इस खास से मुझे शांति मिल जाए, कोई चीज मिल जाए, उसके पीछे मैं दौड़ता था, मगर वो चीज उन कर्मों से नहीं मिली। वो चीज कैसे मिली वो आगे बताता हूँ, आगे बताऊ। शोर मचाए बहु चिल्लाए, छूटन विधि नहीं पाए, वो शांति नहीं मिल पाई। वो दौड़ता तुमने कितने पाउंड हल किए, तुम अमीर आदमी हो, यू आर दी पुअरेस्ट मैन, तुमने इतना रुपया हल किया, क्यों किया? इस वास्ते कि तेरे अंदर किसी चीज की तलाश है, तू उसके तलाश के पीछे फिरता है, वरना कौन रुपया खर्च करता है? मैंने 1000 रुपया खर्च किए, क्यों किए? क्योंकि किसी चीज की तलाश थी। कौन किसी को देता है, कौन किसी को देता है? अब समझ मेरी बात चुक नहीं है, मैंने कहा था। आगे तब दयाल को दया लागी, संत रूप घर आया। कौन दयाल? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट का भी अवतार होता है। जो अवतार होता है ये क्रिएटर का होता है, वो हाथ में, एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में किताब होती है। जहाँ इंसान किताब सीधे से नहीं चलता, उसको तलवार से मार देती है। जैसे राम हुए या कृष्ण हुए, जिन्होंने ऐसे किए, संत के अवतार के हाथ में तलवार नहीं होती, वो सिर्फ वाणी कहता है, वचन कहता है, जो उसके वचन को मान जाता है वो तर जाता है। आगे तब दयाल को दया लागी, संत रूप धर आया, राधा स्वामी अचल मुकामी, शालग राम का। अपने गुरु का नाम लेते हैं, कौन है वो? अचल मुकामी, जो हरकत में नहीं आता, वहां से किरण आती है संत की, वो जीवों को चिताता है। वो ये नहीं कहता कि तुम लड़ो या झगड़ा करो, वो उनको अपने घर ले जाने के लिए, किन के लिए? हंसों के लिए, जो इस दुनिया में समझते हैं कि जहाँ सुख नहीं है और सुख कहाँ है, उनको चिताता है। संत दूसरों के लिए नहीं, जिस तरह डॉक्टर सिर्फ बीमारों के लिए है, रोटी सिर्फ भूखों के लिए है, पानी सिर्फ प्यासों के लिए, हर शख्स संत मत का अधिकारी नहीं। हम लोग संत बन के दुनिया को लूटते हैं और खाम खा अपने आप को संत मशहूर करके दुनिया को पार बना के अपने पीछे लगा लेते हैं, ये गलती है। मैं साफ कहता हूँ, संत मत बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, ये सिर्फ उनके लिए है जो इस दुनिया में आकर के महसूस करते हैं कि यहाँ दायमी सुख नहीं है, सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख, आनंद के साथ बेआनंदी, फिक्र के साथ बेफिक्री, चिंता के साथ अचिंत बना। जो आदमी इसमें रह करके अपने आप को आजाद करना चाहता है, उसके लिए संत मत है, न कि आप दुनिया के लिए। आप दुनिया के लिए काल का चक्कर है, चलता रहता है, कभी मरता है, कभी रोता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ, कहीं लड़ाई है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं परोपकार है, कहीं नेकी है, कहीं बदी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तुम देखते नहीं हो, एक जगह होती है वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है,
कोई तो प्रकृति वाले जाते हैं जो मरे हुए या जख्मी होते हैं उनकी खींचों से पैसे निकालते हैं लूट के ले जाते हैं। कोई ऐसे प्रकृति वाले होते हैं जो उनको रोटी और पानी और दवाई देते हैं, और कोई ऐसे आदमी होते हैं वो देखते हैं किसने किसकी किस वजह से ये हुआ, जिसने उसे एक्सीडेंट किया उसको मारने को दौड़ते हैं। अच्छा कोई ऐसे होते हैं वो कहते हैं ऐसा वाक्य फिर ना हो, वो संत कहलाते हैं। इस दुनिया में दुख और सुख दोनों चलते हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं जो कहे कि मैं हर वक्त हमेशा दुखी रहूंगा या दुखी ना होऊंगा। जिंदगी में तब्दीली आती जाती है, उनके लिए संत मत आता है क्योंकि तुमने मुझे बुलाया, इतना रफा खास किया, मैं फील करता था मैं चाहता हूँ अपनी ड्यूटी पूरी कर जाऊँ, ताकि तुमने मुझे बुलाया मैं अपना फर्ज पूरा कर जाऊँ, तुम्हारे सामने जो कुछ कुदरत ने मुझको बख्शा है वो आपको बताया, बाकी जितनी बातें हैं ये सब लौकिक हैं और भयानक हैं। जो कुछ किसी को मिलता है उनका अपना विश्वास होता है, मैं न किसी को देता हूँ लोग विश्वास कर जाते हैं, जो कुछ कह देता हूँ हो जाता है, वो समझते हैं मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं नहीं करता, तेरी किस्मत में था, मेरे हृदय जो की सच्चाई है जो होना था उसका अक्स मेरे दिमाग पर पड़ जाता है वो पूरा हो जाता है। आगे नर शरीर में प्रगटा कर जीवन बहुत चिताया, ये संत होता है ये चेतावनी देता है, जैसे गुरु नानक साहब उन्होंने चेतावनी दी लोगों को, जैसा मौका आया मक्के में वहाँ गए हरिद्वार में गए लोगों को चिताने के लिए कि तुम गलती पर हो, तो वो बजाय सूर्य की तरफ पानी देने किसी और तरफ पानी देने लगे, किसी ने पूछा मार क्या था, मेरे माथी का घर जलता है वहाँ पानी दे रहा हूँ, उनका ये कैसे हो सकता है कि ये नहीं हो सकता तो यहाँ से सूर्य को पानी कैसे पहुंच सकता है, ये एक तरीके थे उनके दूसरे को चिताने के, दूसरे को चिताने के गुरु नानक साहब के ये तरीके थे। तो हर एक आदमी को मुख्तलिफ तरीके से चिताता है, सबके ये एक रास्ता नहीं है, कोई किसी वहम में है कोई किसी भ्रम में है कोई किसी भ्रम में है, सब एक ही बात सबके लिए नहीं है। मैंने आपको अपनी बात बताया नहीं कि मेरा छोटा भाई था मुझे देख करके वो सिंगी जमात में नाम ले आया, फिर उसको ये हुक्म दिया कि तुम नाम जपना नहीं, क्या करना तेरे पास जिंदगी के मैंने काम काम तो मैंने जिंदगी पौने दस माता पड़ा हुआ था, मैं बसे चला गया उसको नौकर करा गया सीनियर वो अफ्रीका चला गया, वहां से फिर आया वहां से उसको हुक्म था हाथ ऐसे नहीं करना अपनी जिंदगी में ऐसे करना, 16 घंटे काम करो दिन को, 6 घंटे रात को सो, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम जरूरत के। उसने उनका हुक्म पालन किया, बराबर काम करता रहा, यहाँ तक रात को वो 12-12 बजे तक दफ्तर में बगदाद में काम करता, ट्रैफिक मैनेजर आता उसको जबरदस्ती बांध पकड़ के बाहर निकाल देता, जाओ आराम करो, राय साहब हो गया ट्रैफिक मैनेजर हो गया चाहिए, किसी उम्र में अभ्यासी हो गया, दादा दादा की 20 किताबें उसने अंग्रेजी में तर्जमा की है। तो सबके लिए एक हुक्म नहीं है, नहीं समझ में आती है, ये गुरु हकीम बेहतर जानता है कि इस बीमारी का क्या इलाज है, और वो करता है जब देखता है कि इससे फायदा नहीं हुआ तो दवा को बदल देता है। आप समझते हैं कि इस वास्ते दुनिया में जो कुछ है ये गुरु है, गुरु की महिमा है। कल किसी शख्स ने पूछा कि हम गुरु क्यों धारण करें, अरे बाबा गुरु नाम है समझ का और ज्ञान का, बगैर गुरु के तो दुनिया में काम नहीं चलता, गुरु सबसे पहले गुरु तो माँ है, फिर बाप है, फिर भाई है, फिर इल्म है, अगर अकल नहीं है ज्ञान नहीं है तो सौदा कैसे बेचोगे कैसे रहोगे। ये जो सदगुरु का नाम है ये है रूहानियत का ज्ञान, ना गुरु नाम है ज्ञान का, एक होता है सदगुरु जो दुनिया से पार कर जाता है। हाँ जी आगे जो कोई जीव
शरण में आया, अपना कर अपनाया। सुन फकीर यह गुरु उपदेशा, मैं भी तुझे सुनाऊं बात जो मेरी मन से माने, इस झूले से बचाऊं। समझ के मेरी बात को, क्योंकि मेरे दिल में किसी चीज की तलाश थी, वो तलाश मुझे लिए फिरती थी। उस तलाश में मैंने अपने घर से बगड़ा चला गया, तलाश थी बड़ा साल और किधर देखा नहीं, बसेरे पापड़ बेले शांति के लिए, मगर शांति नहीं मिली। शांति कैसे मिली वो बताते हैं आगे। खेल खेलाऊं सुगम सुहेला, सुरत शब्द मत गाऊं, काल हिंडोले से तू बाचे, विदीव चित्र समझाऊं। सुरत शब्द का योग कर मुझे गढ़ करता था, मगर समझ नहीं आती। इस समय देने को सुर शब्द योग को की बड़ाई को बताने के लिए ये मुझे गुरु को कहा गया था और कहा था तुमको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। अब जब सत्संगियों ने कहते हैं कि मैं उनकी मदद करता हूँ, उनके सपने में उनके जागृत में ये कह जाता हूँ, मेरे बाप को पता नहीं होता कि मेरी आंख खुल गई। फिर क्या हो गया, वो जो मन का चक्कर था मेरा, जिस मन में चक्कर में आके रोता दुख उठाता चिल्लाता था, वो खत्म हो गया। क्यों? समझ में आ गया कि जिस तरह मैं किसी के अंदर नहीं जाता, इस तरह जो कुछ मेरे अंदर प्रकट होता है वो उनकी अपनी कल्पना से वकीलचंद को बना लेते हैं। हम अपनी कल्पना से अपने ही ख्याल से आप दुखी और लाभ दुखी होते हैं। ये वो राज है जो किसी महात्मा ने नहीं बताया तुम्हारे मेरे, सब ने इस बात को पर्दे में रखा, अपने डेरे बनाए, अपनी जायदादें बनाई, अपनी जागीरें बनाई और अपने लड़कों को या अपने भाइयों को दे गए। हमको सच्चाई नहीं, मगर उनका कोई कसूर नहीं, दुनिया को सच्चाई की जरूरत है। मेरे पास कितने आदमी आते हैं, क्या ये इस मंच के लिए आते हैं? किसी के पुत्र नहीं है, किसी के बेटा नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है, किसी के धन नहीं है, किसी के कोई, इस काम के लिए मेरे पास आते हैं? आते काम है यह बताओ, तुम्हारी औरतें मन को बातचीत सी लगी, इस वास्ते को उसका बच्चा नहीं था, चाहती थी मेरे बच्चा हो जाए। ये दुनिया है, संत मत कुछ और चीज है। तुमको बता देता हूँ अपनी, मैं समझता हूँ कि तुम शायद मेरी बात को ना समझ सको, अगर समझ भी सको तो तुम अभी तक वहां ठहर भी नहीं सकोगे, क्योंकि तुम्हारा वक्त नहीं आया। हर चीज का समय होता है, मगर मैं बताया जाता हूँ ताकि आपको फिर किसी और दरवाजे पर जाकर के टिकट न भेजने पड़े कि आओ दिल्ली से लंदन से लंदन से दिल्ली। देने को खुशी से जो मर्जी को देवे, अब मैं किसी आदमी को अज्ञान में रखकर उनसे पैसा लेना नहीं चाहता। ज्ञान दाता की हैसियत से, दान की हैसियत में जो जिसकी मर्जी से आप मंदिर में दे दे, मगर अपने लिए तो मैं लेता ही नहीं हूँ, मगर मैं बात सच्ची कहता हूँ। वो कहते हैं चूल्हे से बचाऊ, क्या कर सत्संग विवेक से गुरु का, गुरु दयाल हितकारी। वो कहते हैं इसका इलाज है किसी गुरु के पास। गुरु भी तुम ग्रंथ साहब को पढ़ो, कभी सब जगह का पूरा गुरु पूरा गुरु पूरा गुरु पूरा गुरु लिखा हुआ है, ये हरे लिखा हुआ पूरा गुरु। अब हरेक आदमी कहता मेरा गुरु पूरा है, वो
पूरे गुरु के मैंने है पूरे ज्ञान के पूरे राज के, जहां से जिसको पूरा ज्ञान और शांति मिल जाए उसके लिए वही गुरु है। बाहर में असली गुरु जो है बोले हुए अजीत तेरा अपना आत्मा जो है ये तेरा गुरु। बात सच्ची कहता हूं, कोई झूठी बात नहीं है मेरी, मुझको तो अगर तुम लोगों से आई तो संयो ने मुझको उतार दिया और मैं अब उनकी सेवा करता हूँ। बूढ़े बूढ़े आदमी सत्संगी जिनको कोई रोटी खाने को नहीं मिलती मिलती थी उनको मैंने वहां तनख्वाह देता हूँ, नौकरी देता हूँ, दो दो घंटे चार चार घंटे डिस्पेंसिंग करते हैं, उनकी सेवा करता हूँ। आगे कर सत्संग विवेक से गुरु का, गुरु दयाल हितकारी। मैंने जो कुछ तुमको कहा है वो तुमको धोखा तो नहीं दिया, कोई 420 नहीं की तुमसे लेने की, कोई फांसी की, बल्कि दिया है तुमको कुछ तुमसे लिया नहीं, किराया तो मैं तुमको दे नहीं सकता मेरे पास है नहीं। जो तुमने किराया मेरा दिया लंदन से यहाँ तक के यहाँ से दिल्ली तक वो तो मैं दे नहीं सकता ना मेरे पास है, बाकी मैंने तुम पर बोझ अपना नहीं डाला, मैंने तुम पर अपना बोझ नहीं डाला बिल्कुल, क्योंकि मैं दयाल हूँ। मुझे ये ठीक है कि पैसे की जरूरत मंदिर में मुझे भी है, मगर मैं किसी की आंखों में मिट्टी डालकर लेना नहीं चाहता। चलना होगा तो सही मंदिर में चलूंगा, नहीं चलेगा धन में जाए, मैं ये कर्जा तो नहीं देना भी जरूर, मैं जरूर अस्पताल खोलूंगा, मैं किसी का मकरूज तो नहीं हूँ, मगर आपने मुझे बुलाया मैंने आपको सच्चाई से तारीम देगी। आगे सत्संग विवेक से गुरु का, गुरु दयाल हितकारी। साधु मन कर साधल युक्ति, या झूले के पारी। वो युक्ति क्या है वो दादा को पता होगा, मैंने क्या समझी असत्संगियों तुम्हारा फला। जब से तुमने मुझको बताया लोगों ने कि मेरे रूप ने तुम्हारी मदद की और मैं नहीं गया, तो मुझको युक्ति मिल गई कि ये जो मन जो है यही सृष्टि का करता है, काल पुरुष की अंश तुम्हारा मन है, मन ही इस संसार में सारा काम करता है। तो मुझको यकीन हो गया कि जो कुछ किसी को मिलता है उसका अपना मन है, तो दूसरा दुखी कई मेरे पास आते हैं उनको अकल तो होती नहीं, मैं उनको अच्छा ख्याल देता हूँ, वो विश्वास कर जाते हैं, उनका काम बन जाता है और नाम मेरा हो जाता है। यह है सच्चाई अजीत सिंह। आज मैं अपनी तेरे घर का शुक्रा खाया कुत्ता बन के अपनी ड्यूटी पूरी कर चला, तू समझ मेरी बात को या ना समझ इसकी मैं परवाह नहीं करता, मैं अपना फर्ज पूरा किए देता हूँ तुम्हारे सामने। आगे चलो। नर शरीर सुर दुर्लभ पाया, सतसंगत में आया, तेरा दाव पड़ा है पूरा, सोच समझ तज माया। माया है क्या, माख मैंने मापना या कि मैंने यंत्र, जिस चीज से कोई चीज मापी जाती है उसका नाम है माया। वो कौन सी चीज है, हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि ही हमारी माया है, तो ये माया मुझे तरी नहीं जाती, इसको तरने के लिए ये काम दिया था। मैं ना गुरु हूँ ना महात्मा हूँ और ना कोई साधु हूँ ना कोई संत हूँ, आप लोगों की तरह के इंसान हूँ, तो माया का रूप मुझको तुम लोगों से पता लगा, क्योंकि जब लोग कहते हैं मुझको सूरज में बैठे हुए देखते हैं, ऐसे ऐसे केस मेरे पास आते हैं तो जहाँ जिसका कोई हिसाब नहीं और मैं नहीं होता, तो मुझे समझ आ गई कि जो वकील स्वयं सूरज में उनको प्रकट हुआ वो उनका अपना ही आत्मा था, अपना ही ख्याल था, मैं नहीं था। ये आया ना, तो झुकसी मेरे हाथ में आ गई, अगर मैं इस कार के चक्कर से बचना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए,
इस मन से परे जाना चाहिए, तभी मैं पार जा सकता हूँ। यही बात बाबा सावन सिंह कहते थे, दस द्वारे लिंगों से आगे सतगुरु खोलता। दुनिया ने उनकी बात को नहीं समझा, और दुनिया क्या समझे, जब से मेरा उनका मेल हुआ वो हमेशा कहा करते थे और तुझे मेरी घर नहीं समझे को डंडे मारने वाला आ जाऊंगा, वो डंडे मारने वाला मैं हूं, सब बात कर देता हूँ। जिसकी मर्जी है आए, जिसकी मर्जी है ना आए, जिसकी मर्जी है बात करे, जिसकी मर्जी ना करे, बस मैंने ये समझा। आगे अब की चूक मौज रहसी, त्याग काल की आशा। बात क्या, हमारा मन यानी मन के पीछे न लगी जन, अब के मौज नहीं है कि इसी जन्म में तेरा काम हो जाएगा, काल के पीछे मत कर बस करी को। अब की चूक मौज न ऐसी, त्याग काल की आशा। आज का साधन आज ही कर ले, कल को होगा उदासा। ये नशे सुन को दुर्लभ है, सभी एक संत कहते हैं कलयुग में देवता भी तरसते हैं इंसानी चेहरे को, क्यों, इसमें काम जल्दी होता है। पहले जमाने में किसी को मारना होता था तो डंडे से मारते थे, फिर बच्चे कुहाड़िया आए, नेजे आए, फिर तलवारें नहीं, फिर बंदूकें निकली, फिर तोपें निकली, अब क्या निकला, एक बम फेंको शहर सारा अमेरिका गया, सब काम जल्दी हुआ ना। आगे लाइट चकमक जगाते थे, जगनू जलाते थे, दीवे जलाते थे, फिर लैंप आ गए, अब क्या है, बिजली का एक बटन दबाओ सारा इंग्लैंड जो है सब रोशन। इसी तरह से कलयुग में जो मुक्ति के खास मन है और अपने घर जाना चाहते हैं जन्म से, उनके लिए भी आसान तरीका यह है कि किसी कामल गुरु का सत्संग मिल जाए। गुरु तो छूंग तेरे भले की कहूँ, पूरा गुरु तो छूंग तेरे भले की कहूँ, ये स्वामी जी की वाणी है। तो दुनिया ने आ गई है चक्कर में, कोई बैसिया बन गया, कोई अगरिया बन गया, कोई जयपुरिया बन गया, कोई कहीं का बन गया, ये संत मत देरों में बट गया, ये दुनिया का व्यवहार है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। मगर व्यवहार करो, मगर उसमें फंसो नहीं, जिंदगी है तुम व्यवहार से जाओगे कहाँ, कहाँ भाग के जाओगे, जब तो जान है। रहो दुनिया में, बीवी रहे, बच्चे रहे, भाई रहे, माँ रहे, बाप रहे, सब रहे सब, मगर हथ कारवर दिल यारवर, ये समझ के कि भाई हमारा देश यही मुझे कहाँ कर दे, ये तो नहीं तेरा देश, देश है बगाना, यहाँ सब बगाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुझे उपदेश दिया और तुझे चिताया, संत पंथ काल किए कटे मुंह है माया, लूट पड़ी लूट से बचाए धन अपना, सहन कार कर्म चोट शोध ले मन अपना, राधा स्वामी दया के सागर तेरे कारण आए, शीश चरण में उनके छुपा कर अपना काज अपना काज बनाए। तो मैंने ये समझा है, आगे बार बार नहीं अवसर प्राणी, काल महा दुखदाई। जमना मरना, जमना मरना, अभी आप जवान हैं, आपको उस तकलीफ का पता नहीं, ये बूढ़े आदमी को होती है, मुझे पता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे पता है क्या तकलीफ होती है। गरीब आदमी एक गुरु है वो सोने के कड़े पहनता है, यह अमीर है धनवान है, वो एक दुखी गरीब की हालत को क्या जानता है कि उसके साथ क्या बीती है। माफ करना मेरी बात को, एक आदमी अमीर है धनी है
पैसा है, इज्जत है, मान है, वो गरीब की क्या कदर जानता। गरीब दुखी है जो जो जिनको पेट में रोटी नहीं है, जिसके साथ बच्चे हैं, पैसा नहीं है, वो उनके दुखों को क्या समझता है। इस बात से संत हमेशा ये करते हैं, जो संत होते हैं, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है नाम रतन का, पर तेरा उपकार करावे, भूखे नंगे को दिलवावे, दया मेहर मुफ्त की तू पावे, ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने लिखे। आप समझो, मैं जो गुरु चेले का खाता है वो गुरु नहीं है, जो गुरु चेले का खाता है वो गुरु नहीं है। हर जगह हर गद्दी में हर जगह सर्कल है, एक इनर सर्कल होता है, एक आउटर सर्कल होता है, आउटर सर्कल और होता है, इनर सर्कल और होता है। इनर सर्कल में गुरु की ये ताकत नहीं है कि इनर सर्कल वालों को कुछ कह सके, क्योंकि वो गुरु के ऐबों को जानता है, उसकी गलतियों को जानता है। मैंने इस वास्ते इनर सर्कल रखा ना आउटर सर्कल रखा, बिल्कुल आउटर और इनर सब एक है। जो बात बिल्कुल क्लियर है वो साफ कर देता हूँ, ये बात ऐसी, और अपने आप को पाक रखता हूँ, बिल्कुल लिहाज नहीं, किसी का कोई लिहाज नहीं। प्रेम कदर मैं करता हूँ जो एक लड़का, ये टोपी छोटा बच्चा था, 8 या 9 साल का, वो बड़े प्रेम से मेरे पास आया, अपनी टोपी सिर की, कहते बाबा बाबा, मैं कहा हाँ, ये तेरे वाले टोपी है, लिया। मैंने कहा लिया बच्चा, मैं पहन लिया। अब उस बच्चे की टोपी जो उसके प्रेम की मैं कदर करता हूँ, हालांकि स्वांग बना हुआ हूँ, मगर उसकी टोपी मैंने पहनी हुई है। अब आप समझ गए ना, प्रेम की कदर करनी चाहिए, जो प्रेम की कदर नहीं करता वो पतित है। राम ने पेली के बैर जूठ से खाए थे, लक्ष्मण को उसने दिए, लक्ष्मण ने खाए नहीं, पीछे फेंक दिए। रामायण कहते हैं वही संजीवनी बनी, जब लक्ष्मण को मूर्छा हुआ लड़ाई के मैदान में, तो हनुमान वही संजीवनी लाया, और वही जूठे बैर जो उसने छोटे थे उन्हीं के पत्ते जो थे उसको दिए, जिससे वो बच गया। तो ये मेरा मतलब नहीं है कि प्रेम से अगर कोई चीज सच्चे दिल से देता है उसके प्रेम की कदर करनी चाहिए, ये बात नहीं है। तुम अपने सज्जनों किसी को देते हो, भाई को देते हो, प्रेम से दो, लोग लाज के लिए नहीं, मोहब्बत और प्रेम से किसी की मदद करो, वो तुम्हारे लिए और उसके लिए बरकत का बात बनेगी। कई आदमी कर्जा उठा के लड़कियों की शादी पर करते हैं, सारी जिंदगी कर्जा ही नहीं उतरता। आप लोग जो यहाँ पैसा काफी मिलता है, आप परवाह नहीं करते, हिंदुस्तानियों को पूछो क्या होता है, लड़कियों की शादी हो जाती है कर्जा उठाते हैं, वो कर्जा उठाता नहीं, वो पैसा जो दिया वो होता है, माँ बाप अलग कुर्ते रहते हैं और जिस लड़की को देखते हैं उनको भी कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं पहुंचता। इस वास्ते मैंने तालीम को बदला है, नौजवानों को कहा करता हूँ, किसी नौजवान को कुछ हुआ लादी कमाई खाना उन्हें गुस्सा लगता है, जो लड़का जवान होकर के ससुराल के पास से पैसे लेता है, मांगता है मुझे टीवी दो या चैनल, वो लादी कमाई नहीं खाना तो की खाना, जवाब देवे कोई बोलता नहीं, वो रणजी कमाई खाता। लड़की जिनकी है वो जो मर्जी चाहे देने, इस बात पर मैं जोर देता हूँ गृहस्थियों के लिए, कि लड़कों का फर्ज ये नहीं है कि टीवी मांगे या साइकिल मांगे या जो मर्जी मांगे, लड़की वाले जो खुशी से देना चाहे दें, वो उसमें कोई बात नहीं है। हम लोग कितनी औरतें जहेज के लिए सड़ के मर गई, उनकी सासों ने उनको तंग किया। तो दुनियादारों के लिए मैंने तालीम को बदला है, ये आज जो सत्संग था जो तुमको प्रमाण के लिया, दुनियादारों के लिए सत्संग मेरा सिर्फ ये है कि अपने ब्रह्मचर्य को पालन करो, अपने बिल्कुल बेफायदा जाया मत करो, एक दूसरे घर में शांति रखो, दो तीसरे शादी व्यवहार में लोक लाज में मत आओ, लोक लाज का बगाड़ा रही मोहे जग फंदा डारा रही, स्वामी जी ने लिखा। हम लोक लाज में आ जाते हैं, नहीं समझ में आती है मैंने क्या कहा है, तो दादा उनको फरमाते हैं पढ़ो क्या कहते हैं, अब की चूक मौज न ऐसी त्याग काल किया
सा आज का साधन आज ही कर ले, कल को होगा उदासा। मैं अब सारे क्या करता हूँ, मन छोड़ जाता, मन छोड़ जाता हूँ। मुझे पता लग गया साधन कमल त्रिकुटी सुन महासुन ये जितने दर्जे हैं ये सारे मन के खेल हैं। जैसे कल मैंने तुमको बोला जिस किस्म की जैसे ख्यालात हैं वैसे उसको नजर आता है, वैसे उसको वो अपने अंदर जैसे संस्कार होते हैं उनके मुताबिक उनके अंदर खेल नजर आते हैं। सबके एक जैसे नहीं है, किसी का कोई दृश्य नजर आता है, किसी को कोई। तो इससे आगे है प्रकाश और शब्द। सिर्फ प्रकाश में चले जाना आत्म अवस्था है, इसको सोहंकार कहते हैं। कल मैंने सत्संग में बताया था सोहंकार क्या है। हम प्रबल गुफात को बोलते हैं, हम ज्ञान हासिल कर जाते हैं, वहां ठहरते हैं, मगर मन हमको फिर खींच के लाता है, हम फिर मन को छोड़ के वापस जाते हैं, फिर मन नीचे जाता है, फिर मन को वो चक्कर जो लगता है उसका नाम है पवन गुफा। तो इसके बाद जब परफेक्ट हो जाता है तो फिर वो पवन गुफा वाला सब छोड़ जाता है, फिर क्या हो जाता है, वो अपने रूप को जान जाता है कि मैं प्रकाश और शब्द स्वरूप हूँ, और फिर वो गिरता नहीं। अगर काम दुनिया में प्रारंभ कर्म के अनुसार उसके जो होता है वो काम करता है मगर उसमें फंसता नहीं, यही जीवन मुक्त अवस्था है। आगे बार बार नहीं अवसर प्राणी काल महा दुखदाई, जो कोई करे काल की आशा सो पाछे पछताई। काल एक तो है जो दुनिया को पैदा करता है, तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन काल है, वो तो भगवान का काल है, हमारे अंदर हमारा मन काल है, जो मन के पीछे चलता है वो दुख उठाता है। आगे राधा स्वामी दया के सागर तेरे कारण आए, शीस चरण में उनके झुका कर अपना काज बनाए। हरजीत सिंह तूने मुझे बुलाया, केशव के मैं नहीं गया, वहाँ जाता 300-350 रुपया पाउंड लेके जाता। पिछली दफा माया 300 पाउंड से दिए, मैंने उसकी परवाह नहीं की, मैंने कहा सिर्फ 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए आऊंगा, वहाँ नहीं गया, सिर्फ तेरे पास आया हूँ, सिर्फ इस ख्याल से कि तुझको रास्ता सही मिल जाए, चक्रा ना मारता फिरे, जो कुछ है तेरे अपने अंतर है, बाहर के गुरु ने तो उपदेश देना है,